अ वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित लेकर आई हूँ आपके पास कौन ऑफ मैं पार्ट 4। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन ऑफ मैप में पॉज फंक्शंस। ठीक है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को स्टडी कर लें, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, डिस्कस कीजिए, ताकि अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं कौन ऑफ मैप फॉर पॉज फंक्शंस। ठीक है, कौन ऑफ मैप पॉज फंक्शंस जो है, यहाँ भी हमें क्या करना है, जो भी आपके लॉजिक गेट्स हैं, जो भी मैपिंग पे वैल्यूज़ आती हैं, हमें उसे मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइजेशन तो हर जगह ही कर रहे हैं हम सर्किट में, तो मेनली आपका ये जो लेक्चर है वो पॉज एक्सप्रेशंस के लिए डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर जब भी हम कोई फंक्शन लिखेंगे, मान लीजिए हमने कोई फंक्शन लिखा, तो यहाँ हम पॉज के लिए हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्स को यूज़ करते हैं। ये किसके लिए है? दिस इज़ यूज फॉर पॉस, बट इन सॉप सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। पॉस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट में हम कोई भी फंक्शन जो यूज़ करते थे उसको यूज़ करते थे सिग्मा से विद मिन टर्म्स। यहाँ क्या है, आप मैक्स टर्म्स बोलते हो और उसके बाद कुछ ना कुछ वैल्यूज दी जाती हैं। लाइक सपोज वी आर यूजिंग हेयर 0 एंड 2। ठीक है, इधर भी 0 एंड 2। ठीक है, ये वाला पार्ट हम जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं चेक किया है तो इसे पिछले वाले लेक्चर में पार्ट 3 में आपको वो सारा पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉज फंक्शन। पॉज फंक्शन में आपकी जो भी वैल्यूज हैं, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कुछ बच्चों को रिक्वायर्ड होता है, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, पॉज फंक्शन में हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास कोई दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो हम दो चीज़ें हमें याद रखनी हैं। क्या याद रखनी हैं कि पॉज में थोड़ा सॉप का उल्टा हो जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट का हम उल्टा कर देते हैं। क्या है उल्टा करते हैं, यहाँ पर हम अगर ए लिखेंगे तो ए की वैल्यू होती है 0 एंड ए बार की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अब हम इसको, अगर टू वेरिएबल्स हैं तो 4 सेक्शंस बनेंगे, 4 ब्लॉक्स बनेंगे, 2 की पावर 2, 4। तो हमें पता लग गया, अब मैक्सिमम यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, तो हमने यहाँ लिया 0, यहाँ लिया 1, यहाँ लिया 0, यहाँ लिया 1। तो ये है आपका ए एंड दिस इज़ योर ए बार, दिस इज़ योर बी एंड दिस इज़ योर बी बार। डन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब क्या करेंगे हम, दिस इज़ योर ए बी, ये क्या है आपका ए प्लस बी बार। ठीक है, ये क्या है ए प्लस बी, ओके, ये है आपका ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, ये क्या है ए बार प्लस बी, और यहाँ क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका ए बार प्लस बी बार। जबकि हम पॉस में कैसे करते, सॉप में कैसे करते थे, ये आ गया ए बी। ठीक है, यहाँ पर क्या था 0 1, ठीक है, और यहाँ था 0 1, वैल्यू क्या थी, दिस इज योर ए बार, है ना, और ये होता था आपका ए, दिस इज योर बी बार एंड दिस इज योर बी। तो यहाँ आ जाता था आपका ए बार बी बार, क्यों, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, जो भी इसके आंसर्स आएंगे उसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट में रखेंगे, लेकिन यहाँ हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम करते जाएंगे। इसी तरह इस सेल की वैल्यू हो जाती है ए बार बी, इसकी है ए बी बार, दिस इज योर ए बी। देखिए यहाँ वैल्यूज के बीच में हमने कोई प्लस का साइन नहीं लगाया है, बट प्रोडक्ट ऑफ सम्स में हमने वैल्यूज में प्लस का साइन यूज किया है। अगर हम इसी पार्ट को सॉल्व करें, अगर ये वाला क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन गया ए बी, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो आपके पास 4 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस में हमने 0 1 2 3, ठीक है, डिवाइड कर दिया 0 1 0 1, दिस इज योर ए, दिस इज योर ए बार।
दिस इज योर बी, दिस इज योर बी बार। अब कहाँ रखा है जीरो एंड टू? देखिए यहाँ पर लिखा है डिटरमाइन द बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच सम टर्म इन द स्टैंडर्ड पॉस एक्सप्रेशन। दिस इज द बाइनरी वैल्यू डेट मेक्स द टर्म इक्वल टू जीरो। जो भी वैल्यू दे रखी होगी उस सेल में हम उसकी जगह जीरो प्लेस कर देंगे। यहाँ हम वन प्लेस करते थे, यहाँ हम जीरो प्लेस करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ जीरो नंबर सेल पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम जीरो नंबर वाले सेल पे हम जीरो रखेंगे बड़ा वाला, ठीक है। दूसरे में क्या रखेंगे, टू, नंबर टू सेल पे भी हमने जीरो फिल कर दिया। अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे तो ये इजीली पेयर्ड भी हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू ए बार प्लस बी, है ना, और दूसरा बन गया ए प्लस बी। ओके, अब क्या किया हमने, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ए बार प्लस ए बार ए प्लस ए बार बी प्लस, अब बी से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी ए प्लस बी बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम चेक करते हैं इसमें से ए बार ए क्या हो जाएगा, ये हो गया जीरो, है ना, और प्लस क्या हुआ, दिस इज योर ए बार बी प्लस बी ए प्लस बी इंटू बी कर देंगे तो हम इसको बी भी लिख सकते हैं, है ना। वन को वन से मल्टीप्लाई किया, हम वन लिख सकते हैं ना, इसी तरह हमने यहाँ इसको बी लिख दिया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए बी कॉमन है ना, इन दो सेक्शंस में हमारे पास बी कॉमन है, हमने बी को कॉमन कर लिया। क्या आया हमारे पास, देखिए ए बार प्लस ए, ठीक है, प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बी बार प्लस ये हो गया वन के बराबर, इक्वल टू वन, ए बार प्लस ए यानी कि बी, इसका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है इसको मैं यहीं लिख रही हूँ। देखिए ये बन गया आपका बी प्लस बी, बी प्लस बी अगेन बी, ठीक है। सो आंसर विल बी बी। शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने, जो चेंज हो रहा है उसको छोड़ दो। यहाँ देखिए इस वाली रोज में ये वाली रो है और ये वाली रो है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, एक ही चेंज हो रही है, एक बार जीरो है एक बार वन है, उसको लीव करो। लेकिन जहाँ वैल्यू चेंज नहीं हो रही, अगर हम इस कॉलम में एंटर होते हैं तो ये सिर्फ कॉलम में बी वैल्यू का कॉलम है, यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंपली बी। तो या तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर लो, बूलियन अलजेब्रा लगाओ, मल्टीप्लाई करो, या शॉर्ट ट्रिक से आप इसको इजिली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, अगर सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया जाए एफ इज इक्वल टू, मैं एक और लेते हैं, एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है। नेक्स्ट दे दिया आपको ए ए प्लस बी बार प्लस सी बार, डन। नेक्स्ट आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी, डन। अब हमें क्या करना है, इसको पॉज के लिए यूज करना है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू पाई ऑफ मैक्स टर्म्स, ठीक है। और इसको भी अगर मैक्स टर्म्स होंगे तो हम यहाँ पर सेल की वैल्यूज लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे लिखेंगे, पहले हम इसका चार्ट बना लेते हैं। थ्री वेरिएबल्स हैं तो ए बी सी लिखा हमने। ए बी सी लिखने के बाद हमें ये पता लग गया थ्री वेरिएबल्स हैं तो मैक्सिमम सेल्स कितने होंगे, टू की पावर थ्री, तो एट सेल्स बनेंगे। एट सेल्स बनाने के लिए हमने इसको टू फोर सिक्स और एट डिवाइड हो गया, ठीक है। दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज जीरो जीरो, जीरो वन, वन 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 जीरो, ठीक है। दिस इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें चेक करनी है वैल्यूज क्या है। दिस इज योर, क्या होगा यहाँ पर, ये हो गया ए, दिस इज योर ए बार, ये क्या होगा यहाँ पर चेक कीजिए, दिस इज योर बी प्लस सी, ये बना आपका बी प्लस सी, ये क्या बना बी प्लस सी बार, ठीक है।
वन वन है तो क्या बना, बी बार प्लस सी बार। ओके, नेक्स्ट 1 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी बी बार प्लस सी। क्लियर है? अब हमें करना क्या है, ए बी प्लस सी। ओके, अब हम चेक करते हैं हमें एग्जामिनर ने वैल्यू क्या दे रखी है। ए प्लस बी प्लस सी बार, ए पे आ गए हम, बी प्लस सी बार यानी कि ये सेक्शन हुआ, इसमें हम 0 असाइन करते। नेक्स्ट आ गया ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है, ए है बी बार प्लस सी बार, ठीक है, एक ही वाला सेल आ गया। ओके, नेक्स्ट है ए बी सी यानी कि तीनों वन है, ए ए तीनों वन नहीं होंगे, ए बी सी 0s है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक सेल आ गया ये। ओके, अब सेल्स तो हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन हम यहाँ पर मैक्स वैल्यू में कौन सी वैल्यू, कौन से सेल्स की वैल्यू प्रिंट करेंगे। दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 3। ओके, क्लियर है? तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, ठीक है, इस तरह से हम इसको कॉस फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। ओके, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं और यहाँ वैल्यूज हैं। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट हम करेंगे पेयरिंग। क्या करेंगे, पेयरिंग। अब पेयरिंग करनी है हमें, तो पहले हम इन दो सेल्स की पेयरिंग करेंगे और फिर हम इन दो सेल्स की पेयरिंग करेंगे, क्योंकि पेयरिंग हमेशा टू टू में ही होगी, फोर में होगी, एट में होगी, है ना, तो इस तरह से हम इसकी पेयरिंग करेंगे। जब हमने पेयरिंग करी तो इस वाले सेल की वैल्यू क्या होगी, इस वाले सेल की वैल्यू होगी क्या होगी, देखिए यहाँ पर ए है तो ए तो आएगा ही, है ना, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 0 1 में चेंज हो रहा है, छोड़ दीजिए। दूसरा क्या है, सी बार सी बार, दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए प्लस सी बार इसको ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया 0 वाले को, 0 को छोड़ा क्योंकि 0 1 में चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ अब इस वाले सेल को चेक करते हैं, इस वाले सेल में देखिए ए तो आ ही रहा है और दूसरा क्या है, बी और बी बार, ठीक है, बी में क्या है 0, यहाँ भी 0 सेम है, लेकिन सी चेंज हो रहा है, तो हम सी को छोड़ देंगे और बी को ले लेंगे, जो चेंज हो रहा है उसको लीव करना है, ठीक है, तो ए प्लस बी हो गया। ओके, तो ये हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है, और मतलब ये तो इस सेल की वैल्यू थी, इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिख देते हैं, एफ इज इक्वल टू इसका आंसर हो गया ए प्लस सी बार, है ना, और दूसरा हो गया ए प्लस बी, दिस इज द आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे एक नया क्वेश्चन जिसमें है आपके पास y इज इक्वल टू समीशन ऑफ मैक्स टर्म्स, ठीक है, और उसमें वैल्यू क्या है, दिस इज 1 2 3 4 9 एंड 12, ठीक है, तो ऑब्जर्व द लार्जेस्ट नंबर, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है आप उसको चेक करिए, और उसके अगेन हम क्या करेंगे, पता लग रहा है 12 है तो 16 में से 12 निकल सकता है, तो हम 16 सेल्स के लिए यानी कि 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएंगे, तो मैक्सिमम हमें 4 वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे, ए बी सी डी, ठीक है, हमने क्या करा है इसको, इसको 4 सेल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड किया, नाउ 1 2 3 एंड 4 इस तरह से डिवाइड कर नाउ, ठीक है, ओके, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन सेल्स पे वैल्यू रखिए, क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1, नेक्स्ट इज 0 0 0 1 1 1 1 0, ये क्यों अल्टर होते हैं, क्योंकि हमेशा एक बिट दूसरे, जब हम एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं तो सिर्फ एक बिट चेंज होती है, क्यों, क्योंकि ग्रे कोड में ऐसा बताया गया है, ठीक है, जब भी एक स्टेप आगे चलना है तो सिर्फ एक बिट ही चेंज होगी, तो यहाँ क्या हो गया, दिस इज योर ए, है ना, प्लस बी, ये हो गया, ये क्या हो गया, ए प्लस बी बार, ये क्या हो गया, ए बार प्लस बी बार,
है ना, वन वन है ना, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। अब क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी, क्लियर। नेक्स्ट आ गया आपके पास जीरो जीरो, क्या आएगा, सी प्लस डी, ठीक है। जीरो वन के लिए क्या होगा, सी प्लस डी बार। नेक्स्ट क्या होगा, सी बार प्लस डी बार, डन। नेक्स्ट इज योर वन जीरो, इट विल बी योर सी बार प्लस डी, ठीक है। अब हम इसको सेल्स को असाइन कर देते हैं, दिस इज जीरो वन टू एंड थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एट नाइन, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन, ओके। जीरो से फिफ्टीन टोटल सिक्सटीन, तो हो गए सिक्सटीन सेल्स, ओके। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को रखना है। वन वाला सेल है, ठीक है, वन वाला सेल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जीरो फिल कर देते हैं, वन में जीरो आ गया। फिर नेक्स्ट टू जीरो, थ्री जीरो, फोर जीरो, नाइन वेयर इज नाइन, दिस इज जीरो, ओके। देन ट्वेल्व 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 ट्वेल्व, ओके, दिस इज जीरो। अब हमें क्या करना है, हमें करनी है ग्रुपिंग। तो एक ये वाला ग्रुप बन गया, ठीक है, नेक्स्ट ये वाला ग्रुप बन गया, और इसको हम इस तरह से असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेपर को अगर हम फोल्ड करें, तो इस तरह से आप जो है आपकी ग्रुपिंग हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको आंसर देती हूँ यहाँ पर। इसका आंसर रहेगा ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बार, ओके। नेक्स्ट क्या आएगा, बी प्लस सी प्लस डी बार, और यहाँ क्या आएगा आपके पास, बी बार प्लस सी प्लस डी। ये आपका आंसर जो है वो आना चाहिए। क्यों, थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, छोड़ दीजिए। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए तो सी प्लस डी आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी, डी नहीं बी बार आएगा, क्योंकि वन है ना, इसलिए बी बार आएगा, बी बार प्लस सी प्लस डी, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आप इसको चेक कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ए प्लस बी, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ए प्लस बी। और इन दोनों सेल में चेंज देखिए कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, डी चेंज हो रहा है, तो छोड़ दीजिए, जो चेंज हो रहा है उसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्या आ गया, सी बार प्लस सी बार, तो ये वाली वैल्यू भी आ गई आपके पास। इसी तरह अगर आप इसको और इसको लेके चले, तो यहाँ देखिए ए और यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, अरे कौन सी वैल्यू,